हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राइनो कोर। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट एंड चेंज द स्टाइल विद द बटन स्पेसिफिक और द टेक्स्ट स्पेसिफिक। हमारे पास सपोज जैसे कि हमारे पास कोई हम लोग ई कॉमर्स साइट क्रिएट कर रहे थे या कोई कोई रैंडम वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो उन पेजेस में हम लोग पास बहुत सारी बटन्स होती हैं जिनका रोल जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट उनकी कलरिंग, उनका फॉन्ट साइज, उनकी फॉन्ट फैमिली, राइट, वो हमारा सिमिलर होता है। लाइक हमारे पास कोई शॉप पेज है, शॉप पेज में भी हमारे पास ऐड टू कार्ट बटन होता है। एक हमारे पास प्रोडक्ट पेज है, प्रोडक्ट पेज में बाय नाउ बटन जो होता है उसमें भी हमारे पास जो बाय नाउ जो बटन होता है उसमें भी उसका जो लुकअप होता है, उसका जो जो हम लोग कह सकते हैं कि जो जिस तरह का वो दिखेगा उसमें फॉन्ट फैमिली उसकी क्या यूज़ हो रही है, फॉन्ट साइज क्या यूज़ हो रहा है, क्या कलर यूज़ हो रहा है, वो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म या डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे हम लोग वो सेम बटन यूज़ करते हैं। तो हम उस चीज़ को इजी या बेटर वे में अगर जानने की कोशिश करें तो उस बटन को हम लोग को बार बार क्रिएट ना करना पड़े, इस वजह से हम लोग यहाँ पर स्टाइल इस फंक्शनैलिटी इस बबल की फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ स्टाइल टैग पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं एलिमेंट टाइप में सेलेक्ट करने जा रहा हूँ बटन एंड देन एड स्टाइल। स्टाइल नेम मैं देता हूँ बटन न्यू और हमें इसे बनाना किस टाइप का है, बटन टाइप का क्रिएट। सो आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो गया, एक रैंडम बटन क्रिएट हो गया। अब इसमें हम लोग कुछ भी चेंजेस करना है, अगर सपोज कलरिंग, टेक्स्ट साइज, अलाइनमेंट, एनीथिंग, सो वी कैन यहाँ से हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो एडिट मी मेंशन यहाँ पर है उसको मैंने दे दिया मॉन्स्ट्रेट। तो ये जो इस बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है वो मॉन्स्ट्रेट 500 हो गया। हमने इसका फॉन्ट साइज दे दिया है 18, ये थोड़ा सा बिगर हो गया है। यहाँ पे हम लोग वर्ड स्पेसिंग दे सकते हैं, लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं, लेटर स्पेसिंग दे सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट, राइट। बैकग्राउंड स्टाइल दे सकते हैं फ्लैट कलर जैसे कि लिखा हुआ है इसमें मेंशन है, और मैंने यहाँ पे इसका कलर जो है वो रेड कर दिया है, राइट। सो मैंने यहाँ पे इसकी कलरिंग चेंज कर दी है। हम यहाँ पे इसकी राउंडनेस भी दे सकते हैं 3 से 5। अगर हमें बॉर्डर देना है तो हम लोग यहाँ से बॉर्डर भी इसको दे सकते हैं, लाइक हम लोग ने यहाँ पे इसे ब्लैक दिया हुआ है या हल्का सा शेड दे देते हैं उसको ब्लैक का ही। और अगर हमें शेडो यहाँ पे देनी है कि इस पे जैसे ही ये जो बटन है इसकी शेडो भी यहाँ पे मेंशन हो, यहाँ पे शो हो, तो उसके लिए हम लोग आउटसाइड सेट कर देते हैं। आउटसाइड में हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऑफसेट 2 दिया है, ऑफसेट वर्टिकल ऑफसेट 2 दिया है, ब्लर रेडियस 2 दी है, स्प्रेड रेडियस में हम 2 दे देते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये भी हो गया है फिक्स, जो संजय हमें करने थे वो हमने कर दिए हैं। अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, राइट। सो अभी हमने इसको फिलहाल सेंटर दिया हुआ है, इसे हमें इसे हम लोग बोल्ड कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है, राइट। सो हमारे पास ये बटन क्रिएट हो चुकी है। अब हम लोग एडिटर पर चलते हैं, डिज़ाइन पर। सपोज मैंने एक नया पेज क्रिएट किया है, एड अ न्यू पेज, फाइन। सो जैसे कि हम लोग यहाँ इस एलिमेंट ट्री में बटन यहाँ पे शो हो रहा है, इस बटन को हम लोग यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पे मैंने इसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो सपोज आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये बटन हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास स्टाइल सेक्शन में यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ये देखिए प्राइमरी बटन। तो यहाँ पे हमने जो बटन अभी बनाया है उसका नेम दिया था बटन न्यू। तो जैसे ही हम लोग स्टाइल टैग में इसको सेलेक्ट करेंगे, ये उस जो हम लोग ने स्टाइल सेक्शन में बटन बनाया हुआ था ये इसको बाय डिफॉल्ट यहाँ से फेच कर लेगा और इसे यहाँ पे एज इट इज डिजाइन कर देगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हम लोग ने यहाँ पे एडिट मी को मॉन्स्ट्रेट 500 दिया हुआ था, तो यहाँ से ये मॉन्स्ट्रेट 500 भी है। यहाँ पे शेडो दी हुई थी, ये शेडो भी हमें दिख रही है, राइट। और इसके अंदर का फॉन्ट जो साइज है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया था 18, सो ये 18 को 18 फॉन्ट साइज पिक कर रहा है यहाँ पे। सो जैसा कि हम लोग यहाँ प्रीव्यू करने चलते हैं, सी तो यहाँ पे हमें एडिट मी यहाँ पे मेंशन हो रहा है और इस बटन का हम लोग नेम चेंज कर सकते हैं, लाइक एडिट मी यहाँ पे मेंशन है तो हम लोग ने यहाँ पे इसे नेम ही चेंज करके सबमिट कह दिया, राइट।
सो यहाँ पे हमारे पास सबमिट बटन यहाँ पे शो हो रहा है। सपोज ये स्टाइल फंक्शनलिटी हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेम पेज बना लिया, जैसे कि हमारे पास एक प्रोडक्ट पेज है, शॉप पेज है, और वहाँ पे अलग अलग बटन यूज हो रहे हैं। सो हमें दोबारा दोबारा से इस बटन को यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करके उसके अंदर का जो भी स्टाइलिंग है वो चेंज करके यहाँ पे मेंशन करके ये मॉन्स्टेट है, ये यहाँ पे इसका ये फॉन्ट साइज इतना है, ये बोल्ड है या कलर है, ये बार बार हमें ये चीज़ ना करनी पड़े, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये स्टाइल टैग को यहाँ पे इसकी स्टाइल की कैटेगरी में यहाँ पे हम लोग एक बटन डिज़ाइन कर लेते हैं, एंड देन हम लोग जिस जिस स्पेस पे हमें इस बटन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे इसे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। सो फाइन, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द ग्रेट कंटेंट। ओके सो टेक केयर।